नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड क्या होते हैं, हमें हमारे पोर्टफोलियो में कितने फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना एलोकेशन देना चाहिए और ऐसे कौन से 3 फ्लेक्सी कैप फंड है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ एंड तक। फ्लेक्सी कैप फंड ऐसे फंड होते हैं जो कि किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे वह लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो। फंड मैनेजर के पास पूरा फ्रीडम होता है कि वह किस सेक्टर, किस मार्केट कैपिटलाइजेशन में कितना एलोकेशन रखना चाहता है और इसी फ्रीडम के कारण जो फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग होते हैं। और यदि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट हमें करना ही चाहिए। 1 से 2 फ्लेक्सी कैप फंड सफिशिएंट होते हैं पोर्टफोलियो में और इनमें हम हमारे रिस्क एपेटाइट और गोल के अकॉर्डिंग 40-70% तक एलोकेशन रख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन से 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पहला फंड जो मेरी लिस्ट में है, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर फंड है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। इसका AUM 31,000 करोड़ है। इस कारण बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूज़न है कि इतने हाई AUM के कारण हम इस फंड में इन्वेस्टमेंट करें या फिर नहीं करें। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा फंड है। इस फंड के फंडामेंटल्स बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हैं। हाँ, RBI SEBI की गाइडलाइन के कारण फॉरेन इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट इनका अब कम हो गया है। पहले ये अपना पोर्टफोलियो का एक मेजर इन्वेस्टमेंट US के टेक स्टॉक्स में करते थे। हालांकि फंड मैनेजर और फंडामेंटल्स और इन्वेस्टिंग स्टाइल अभी भी सेम है, इसलिए मैं अभी भी इस फंड में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हूँ और यह अभी भी मेरा वन ऑफ फेवरेट फंड है। इस फंड का डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी है और लास्ट ईयर जो टेक स्टॉक्स में बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ था, इस कारण इसके 1-2 साल के जो रिटर्न हैं अभी हमें कम देखने को मिलते हैं। अदरवाइज इस फंड ने रेगुलर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। डोमेस्टिक इक्विटीज़ में इसका लगभग 70% का एलोकेशन है, जिनमें लार्ज कैप में 58%, मिड कैप में 3.36% एंड स्मॉल कैप में 6% के आसपास है। मतलब यह एक लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है, इसलिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में भी यह एक सेफर फंड है। रिटर्न्स की बात करें तो 3-ईयर रिटर्न इस फंड की 30.55% एंड 5-ईयर रिटर्न 17.25% है, जो कि एक बहुत ही अच्छे रिटर्न होते हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए। नेक्स्ट फंड जो मुझे बहुत पसंद है वह है कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड। यह भी एक लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है जिसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस डिलीवर किया है और इसे भी हम रिलेटिवली मॉडरेट और लो रिस्क फंड कह सकते हैं। इस फंड का AUM भी ज़्यादा हाई नहीं है, 8,700 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो रेगुलर प्लान के लिए 1.75% एंड डायरेक्ट प्लान के लिए 0.55% है। इस फंड का लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट 61.55% है, मिड कैप में 10.39% एंड स्मॉल कैप में 5.81% है। मतलब यह भी एक लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। दूसरा, मुझे कैनरा रोबेको के फंड इसीलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि यह एक कंसिस्टेंट AMC है। इनके ज़्यादातर फंड बहुत अच्छे अबव एवरेज परफॉर्मिंग रहते हैं, इनका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होता है, इनके फंड मैनेजर भी फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होते हैं। तो एज ए AMC पॉइंट ऑफ व्यू भी यह फंड बहुत अच्छा है। नेक्स्ट फंड जो हमारी लिस्ट में है वह है PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। यह फंड थोड़ा एग्रेसिव है क्योंकि इसका जो मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट है थोड़ा हाई है, तो यदि आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क बेयर कर सकते हैं तो डेफिनेटली इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका AUM भी रिलेटिवली लो है, 5,310 करोड़ रुपीज़। इस फंड का इंसेप्शन 2015 का है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो रेगुलर प्लान के लिए 1.94% एंड डायरेक्ट प्लान के लिए 0.44% है। इस फंड का लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट 48.41% है, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट 16.21% है एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट 10.31% है। पास्ट रिटर्न की बात करें तो 3-ईयर रिटर्न इस फंड का 29.17% है एंड 5-ईयर रिटर्न 12.91%। दोस्तों, ये थे 3 फंड जो कि मुझे बहुत पसंद है। सिर्फ किसी फंड का नाम पता होना या फिर किसी स्कीम का सिलेक्शन फाइनेंशियल प्लानिंग का एक सबसे लास्ट और लीस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यदि आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो प्रॉपर प्लानिंग एंड सिस्टमेटिक जो ऑप्शंस होते हैं उनके साथ इन्वेस्टमेंट करें। यदि आप खुद से नहीं कर सकते हैं, तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
यदि दोस्तों आप अपने लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नीचे दिए नंबर में व्हाट्सअप मैसेज करके। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।